जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल बदल गया। तो हमारा जीवन का बदलाव, जीवन में जो बदलाव क्यों होता है, कैसे होता है? इसलिए होता है पवित्र आत्मा द्वारा प्रभु का प्यार हमारा जीवन पर बहता है, बहता है। रोमियो के नाम पत्र में अध्याय पांच रोमियो का नाम पत्र अध्याय पांच पांच अध्याय पांच पद से यह पांच में लिखा है कि ईश्वर का पवित्र आत्मा द्वारा पांच पांच आशा व्यर्थ नहीं होती, क्योंकि क्योंकि क्या सब लोग मेरे पीछे दब रहिए, आशा व्यर्थ नहीं होती क्योंकि ईश्वर ने हमें पवित्र आत्मा प्रदान किया है और उसके द्वारा ही ईश्वर का प्रेम हमारे हृदयों में उमड़ पड़ा है। देखो प्रभु ने, प्रभु यीशु ने नया विधान दिया और नई आज्ञा दिया। जो दस आज्ञाओं पुराना नियम में था लेकिन वो किसी को भी पालन नहीं कर सका, उन लोग पालन नहीं कर सकता था। ईश्वर को प्यार करो और हमारा पड़ोसी को प्यार करो, नहीं कर सकता है, नहीं किया। क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं कर सका, उन्हें पवित्र आत्मा को नहीं दिया था। ये प्यार तो करना अच्छा है लेकिन प्यार करने के लिए हमारे हृदय पर प्यार मिलना चाहिए। प्यार कहाँ से मिलेगा? पवित्र आत्मा द्वारा मिलेगा। तो प्रभु ईसा मसीह ने सूली पर जान दिया, जान देने के बाद, जान देते हुए प्रभु ने क्या किया? प्रभु ने एक नया विधान, एक नया नया आज्ञा दिया, नई आज्ञा दिया। संत योहन का सुसमाचार, संत योहन 13वां अध्याय में 34 को क्या बोलता है? 34 मैं तुम लोगों को, सब लोग दोहराइए, मैं तुम लोगों को एक नई आज्ञा देता है, तुम एक दूसरे को प्यार करो जिस प्रकार मैंने तुम लोगों को प्यार किया है। देखो प्रभु कैसे हमें प्यार किया, वैसे प्यार किया। देखो कितना प्यार किया, इतना प्यार किया इतना प्यार किया कि उन्होंने उनका जीवन हमारे लिए अर्पित कर दिया। तो ये धर्म ग्रंथ को
दो भाग कर दिया कि एक पुराना एक नया, एक नया विधान का, नया विधान का मतलब ये है एक नई आज्ञा दिया है। पुराना विधान में 10 आज्ञाएं था, लेकिन वो 10 आज्ञाओं को पालन करने पालन नहीं करने सका। अभी सिर्फ एक ही आज्ञा को पालन करना है। कौन सा है वो? जैसे मैंने तुमको प्यार किया वैसे तुम दूसरे को प्यार करो। हम समझता है क्षमा करना चाहिए, लेकिन क्षमा करने के लिए हमें क्या मिलना चाहिए? पवित्र आत्मा और प्यार मिलना चाहिए। क्षमा करना मतलब पहले प्यार करना। जब ये आज्ञा को पालन करने के लिए प्रभु ईसा ने ये आज्ञा दिया, उसका पालन करने के लिए प्रभु ईसा ने हमारे लिए क्या दिया? पवित्र आत्मा को दे दिया। तो मैं सुबह व्यक्तिगत प्रार्थना के बारे में बोला, लेकिन वो प्रार्थना में क्या प्रार्थना करना चाहिए वो कल बताएगा, लेकिन अभी थोड़ा सा उसको बता सकता है कि हमेशा यही प्रार्थना करना चाहिए, हे पवित्र आत्मा मुझे प्यार से भर दीजिए, मुझे प्यार से भर दीजिए, फिल मी विथ योर लव। जो गीत हम हमेशा गाते हैं, वो आत्मा पावन आत्मा अंदरयामी परमात्मा, तेरे निवास है मेरे हृदय में, बस जाओ मुझ में, बस जाओ मुझ में। जीवन जल के, जीवन जल का स्रोत मुझ में बहा दो, प्रज्वलित कर मेरे हृदय में तेरी क्या है, क्या है? प्रेम की अग्नि ज्वाला। ईश्वर का प्रेम अग्नि जैसा, आग जैसा ईश्वर पवित्र आत्मा द्वारा हमारा हृदय पर देता है। ईश्वर का प्रेम से हमारा हृदय भरेगा तभी हम दूसरों को प्यार कर सकेंगे, तभी हम दूसरों को प्यार कर सकेंगे, नहीं तो नहीं। तो नया विधान, नया आज्ञा प्रभु सिर्फ नया आज्ञा नहीं दिया, वो नया आज्ञा को पालन करने के लिए क्या दिया? पवित्र आत्मा को दिया। तो ईसाई धर्म, क्रिस्तीय जीवन यही है, पवित्र आत्मा से संचालित जीवन है। ईसा मसीह हमारे जीवन पर है, उन्होंने हमें कितना भी पाप किया हो तो भी ईश्वर हमें प्यार करता है। इसलिए प्यार करता है कि वो प्यार है। ईश्वर कौन है? ईश्वर कौन है? वो प्यार है। वो प्यार हमारे हृदय पर अनुभव होना चाहिए। वो अनुभव होने के लिए प्रार्थना करना जरूरी है। हे प्रभु हम पर दया कर, हे प्रभु मुझे प्यार से भर दीजिए। देखो मैं कितना सालों से ईश्वर को सेवा करता है, लेकिन एक दिन मैं नहीं प्रार्थना करने से मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है, बहुत गुस्सा आ जाता है। अभी आपको अच्छा लगा ना? हाँ, आपको भी गुस्सा हो जाता है क्या? गुस्सा होता है। क्यों गुस्सा होता है? अगर मैं पवित्र आत्मा
मुझे प्यार से भर दीजिए करके नहीं प्रार्थना करने से, नहीं प्रार्थना करने से। सो एक दूसरे को प्यार करो, क्षमा करो करके प्रभु ने सिर्फ आज्ञा नहीं दिया, नहीं प्रभु उसके लिए वो प्यार हमारे हृदय पर भरने के लिए व्यवस्था भी किया है। और हमारे जीवन पर, पारिवारिक जीवन पर, क्या है परिवार? परिवार मतलब जैसे प्रभु के ही परिवार जैसा है। प्रभु का परिवार क्या है, कौन है? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। पिता पुत्र दोनों में फर्क है, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा, वो एक परिवार जैसा है ना? पिता पुत्र पवित्र आत्मा, उन लोगों पर इतना प्यार है कि वो एक हो गया, वो एक हो गया वो एक है, वही एकता, वो एकता पिता पुत्र पवित्र आत्मा हमारे हृदय पर देने से हमारा परिवार पर पति पत्नी बच्चे प्यार हो जाता है, बहुत प्यार हो जाता है। प्रभु यीशु ने आज्ञा दिया है, पुराना नियम का, पुराना विधान का आज्ञाओं से, पुराना आज्ञाओं को उन्होंने पूरा किया। पुराना आज्ञाओं में जो कमी था, पुराना आज्ञाओं में जो कमी था, सुसमाचार में प्रभु ने बर्क प्रेरित वो तो जर्मन है, बर्क प्रेरित पहाड़ी प्रवचन, आशीर्वचन। वो आशीर्वचन में जैसी 10 आज्ञा मूसा के द्वारा दिया है उसका समान प्रभु यीशु ने करीब 10 आज्ञा दिया है, वही है आशीर्वचन। जो पहाड़ी प्रवचन, प्रभु पहाड़ पर चढ़ा, सब चेलों ने उनके पास आया, वो बैठकर उनको सिखाने लगा। और वो प्रवचन के बाद प्रभु एक एक करके पुराना आज्ञा में क्या अभी जोड़ना है वो बताने लगा। सबसे पहला यही कहा, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5:21, तुम लोगों ने सुना है कि पूर्वजों से कहा गया है हत्या मत करो, नियम है, मूसा द्वारा लिया हुआ आज्ञा है हत्या मत करो। क्या आप लोग कोई हत्या करता है क्या? है, हत्या नहीं करता है, लेकिन प्रभु कहता है कि हत्या मत करो। यदि कोई हत्या करे तो वह कचहरी में दंड के योग्य ठहरा जाएगा, परंतु मैं तुमसे कहता हूं, देखो पुराना विधान में दिया हत्या मत करो, अभी प्रभु कहता है कि मैं तुमसे कहता हूं, परंतु तुमसे कहता हूं जो अपने भाई पर क्रोध करता है, जो अपने भाई पर क्रोध करता है वह कचहरी में दंड के योग्य ठहरा जाएगा। जो भाई से
क्रोध करता है। यदि वह अपने भाई से अरे मूर्ख ऐसा कहेगा तो वह महासभा में दंड के योग्य ठहराएगा जाएगी। और यदि वह करे रे नारिक्त नास्तिक तो वह नरक की आग में योग ठहरा जाएगा। देखो अभी हम पाप स्वीकार करने के समय पर सोच रहेगा कितना पाप करता है। पुराना नियम के अनुसार कोई हत्या नहीं करता है, लेकिन प्रभु ने एक नियम दिया है कि तुम एक दूसरे को घृणा करता है, क्रोध करता है, तब तुम्हारा हृदय हत्या करने के समान ईश्वर से दूर हो जाता है। हमारे हृदय पर अगर क्रोध है तो ईश्वर का अनुभव नहीं मिलेगा। तो परिवार में समझो कि पति पत्नी के बीच में क्रोध होता है, क्रोध होने से बहुत ऊंची आवाज से बोलता है, चिल्लाता है, मारपीट करता है। अब बच्चा लो वो देखकर घबरा कर कहीं पर जाके छुप जाता है, वो डर लगता है। और फिर कुछ देरी घर में को कुछ भी जीवन नहीं है, मतलब एकदम मरा हुआ घर जैसा लगता है। बच्चा लो डर के मारे कहीं जाके बैठा। उसके बाद पवित्र आत्मा कुछ काम किया होगा। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति को बोला क्षमा करो, क्षमा करो, जाने दो, क्षमा करो। तो पति नहीं तो पत्नी आके बोलेगा सॉरी, क्षमा करो, मेरा गलती हो गया, मैं ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, क्षमा करो। क्षमा मंगाया क्या? तब भी क्षमा नहीं देता है, फिर गुस्सा करता है। तब वो फिर बोलेगा प्लीज क्षमा करो, जाने दो। पति पत्नी होने से ऐसा होता है। और बेचालो देख के कड़ा है, बेचालो देख के कड़ा है। और उन लोग देखा, देखो माँ बाप उन लोग क्षमा कर रहे हैं। क्षमा करने से ये बेचालो दौड़ करा के माँ बाप को एकदम आलिंगन करता है और दोबारा घर में बहुत अच्छा मौसम हो जाता है, जीवन होता है, जान होता है, खुशी होता है, आनंद होता है। अगर क्षमा नहीं करता है तो हृदय पर घृणा रखते हुए जीने से खास करके बहुत बीमारी आ जाता है। और यहां पर मत्ती के सुसमाचार में पांचवा अध्याय पर 43 को क्या बोलेगा? त्रियालीस वजन में लिखा है, तुम लोगों ने सुना है कि कहा गया है अपनी पड़ोसी से प्रेम करो और अपने बाहरी से बाहर। पुराना नियम है, पुराना वेदस्थान पर मूसा नबी के द्वारा लिखा है पड़ोसी से प्रेम करो और अपनी भाईरी से भाईर। ये पुराना नियम। और प्रभु कहता है परंतु मैं तुमसे करता हूं अपनी शत्रुओं से प्रेम करो। बोलिए सब लोग ऊंची आवाज से, मैं तुमसे करता हूं तुम्हारे अपने शत्रुओं से प्रेम करो और जो तुम
तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। यही ईसाई धर्म, प्रभु हमारा जीवन पर इतना प्यार दिया, जब हम प्रभु से प्यार नहीं करने से भी, आज्ञाओं का पालन नहीं करने से भी प्रभु हमें प्यार करता है, ताकि हम भी दूसरे को प्यार करो और क्षमा करो। यहां तक बोलता है कि शत्रुओं को भी प्रेम करो। कैसे हो सकता है शत्रु को प्यार? कैसे हो सकता शत्रु को प्यार? इसीलिए हो सकता कि देखो, प्रभु यीशु ने क्रूस पर जीवन समर्पण करते वक्त पिता परमेश्वर से प्रार्थना किया, हे पिता इन्हें क्षमा कर, हे पिता इन लोग जो किया है, जो मैं ईश्वर पुत्र होने से भी मुझे उन्होंने मार डाला, इतना भयानक पाप किया, लेकिन पिताजी उन्हें मालूम नहीं, उनको क्षमा कर, उनको क्षमा कर। वो जो प्रेम क्रूस से हमारे हृदय पर प्रभु ने बहाता है, इसलिए हमेशा हम क्रूस को पहनता है। क्रूस का चिन्ह हमारे लिए जीवन है, ताकि उसमें प्रभु ने कहा, प्रभु ने सिर्फ कहा नहीं, प्रभु ने प्यार किया। जो लोग प्रभु के ऊपर अत्याचार किया उन्हें सब क्षमा किया। क्षमा करो, क्षमा करो। वो प्रेम हमारा जीवन पर नहीं बहेगा तो हमारा ईसाई धर्म नहीं, तो हमारा जीवन में जीवन पर आनंद और खुशी नहीं मिलेगा। एक बार एक बहन जी मेरे पास आके बोला, अब जरा मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे अंदर कुछ शैतान है, मेरे अंदर शैतान है, वो शैतान को भगाओ। तो मैं बोला ठीक है, प्रार्थना करेगा। शैतान है क्या आपके अंदर? आपको कैसे मालूम शैतान है? मालूम है मुझे अंदर शैतान है। अच्छा, तो मैंने प्रार्थना किया। प्रार्थना करते वक्त पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा, ये बहन जी उनका उनका क्या बोलता है, उनका पति का माँ को क्या बोलता है, सास है, है? सास है, सास को बहुत बहुत घृणा करता है। तो मैंने आस्ते आस्ते इसको पूछा, आपका घर कोई कैसा है, आपका पति कैसा है? वो मेरा पति बहुत अच्छा मनुष्य, बहुत अच्छा आदमी है। अच्छा, वो अच्छा आदमी है आपका पति, उसको उसको एक माँ तो होगा ना, वो माँ उनको इतना अच्छी तरह सिखाया पढ़ाया, इसलिए तो तुमको अच्छा एक पति मिला है। तो वो पति का माँ कैसे, मुझको मैं प्यार नहीं करता हूँ। देखो, पति को प्यार करता है लेकिन वो पति का माँ को नहीं। तो मैंने कहा, देखा यही शैतान है तुम्हारे अंदर, शैतान यही है कि तुम तुम्हारा पति का माँ को घृणा करता है। ईश्वर प्रेम है, तो शैतान क्या है, वो प्रेम का ऑपोजिट, प्रेम का शत्रुता और घृणा, ये शैतान है।
तो वो बोलने लगा मुझे मुझसे हो नहीं सकता है, वो इतना मेरे ऊपर गुस्सा करता है, वो जो कुछ भी मैं नहीं करता है उस, और जो कुछ भी मैं करता तो सब के बारे में उन्होंने मुझे गाली देता है, मैं कैसे उसको प्यार करेगा। मैं बोला देखो कोई भी आदमी को प्यार नहीं कर सकता बिना पवित्र आत्मा द्वारा। पवित्र आत्मा आपका हृदय पर भरेगा तभी प्यार कर सकेंगे। ये सास ससुर का ये तो कहानी पुराना ही है, पहले से प्रभु ने कहा है, लेकिन प्रभु कहता है कि शत्रुओं को भी प्यार करो। प्रभु का प्यार, पवित्र आत्मा का प्यार हमारा हृदय पर आने से शत्रुओं को भी प्यार कर सकेंगे, शत्रुओं को भी प्यार कर सकेंगे, शत्रुओं को भी क्षमा कर सकेंगे। तो मैंने कहा, मैंने ये बहन जी से कहा, मैं अभी आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, आप मेरे साथ प्रार्थना कीजिए। हे प्रभु पवित्र आत्मा, मुझे प्यार दीजिए, मेरे हृदय पर प्यार बहाइए, ताकि मैं मेरा ससुर को सास को प्यार कर सकेंगे। और कुछ देर ही प्रार्थना किया, कुछ देर ही असाधारण प्रार्थना, हे पवित्र आत्मा उतराइए, हे पवित्र आत्मा मुझसे प्यार से भर दीजिए। बोलिए सब मिलकर प्रार्थना कीजिए, थोड़ा थोड़ा प्रार्थना कीजिए। हे प्रभु पवित्र आत्मा, हे प्रभु पवित्र आत्मा मुझे अपने प्यार से भर दीजिए, हे प्रभु पवित्र आत्मा मुझे अपने प्यार से भर दीजिए, हे प्रभु पवित्र आत्मा मुझे प्यार दीजिए, ईश्वरीय प्यार दीजिए, प्रेम शांति आनंद से भर दीजिए, प्रेम शांति आनंद से भरिए। हे प्रभु पवित्र आत्मा सब लोग हे प्रभु पवित्र आत्मा मुझे प्रेम शांति आनंद से भर दीजिए, मुझे प्रेम शांति आनंद से भर दीजिए। कुछ देर ही प्रार्थना करने के बाद मैं उसको पूछा, अभी तुम्हारा सांस को मन में विचार करो, विचार करो, विचार करो, मिलता है क्या? नहीं नहीं मिलता है, विचार कर सकता? नहीं कर सकता। अच्छा तो और प्रार्थना करो, हे प्रभु पवित्र आत्मा, हे प्रभु पवित्र आत्मा मुझे प्यार से भर दीजिए, मुझे प्यार से भर दीजिए। ऐसा और प्रार्थना किया, तब वो बोला हाँ अभी मेरा मन में उसका याद आता है। अच्छा अभी उसको मन में विचार करते हुए आप प्रभु यीशु से कहिए, हे प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ मेरा पति के लिए और मेरा पति का माँ के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ, और यीशु के नाम से मैं उसको क्षमा देता हूँ, यीशु के नाम से मैं उसको क्षमा देता हूँ। ऐसा ऐसा क्षमा दिया तो उसका हृदय पर इतना आनंद होगा, और बोला कि शैतान चले गया, शैतान चले गया। और मुझे एक घटना भी याद आ रहे हैं, एक लड़की मेरे साथ एक ऑटो रिक्शा में चल रहा था, ऐसे एक बिंदी वास में भाग लेने के लिए मेरे साथ, नहीं तो बिंदी वास होने के बाद जा रहा था, तो मैं जाने वाला था, तो बोला कि आपका घर का नज़दीक में मैं रहता हूँ, मैं भी आपके साथ आऊँ क्या? हाँ आ जाओ। और ऑटो रिक्शा में बैठने के बाद उसको उल्टी होने लगा, समझिए ना, उल्टी उल्टी होने लगा। तो वो बोला ब्रदर जी मेरे लिए प्रार्थना कर, मेरे प्रार्थना कर, अभी उल्टी हो जाएगा, उल्टी हो जाए। मैं प्रार्थना किया, हे प्रभु इन्हें चंगाई दीजिए, प्रार्थना किया। तो वो बोलता है कि मैं कभी भी ऑटो रिक्शा में चढ़ने से मुझे ऐसा होता है, क्यों ऐसा होता है? तो मैंने उसके लिए प्रार्थना किया, हे प्रभु क्यों इसको ऑटो रिक्शा में चढ़ने से उल्टी क्यों होता है?
जब प्रार्थना करते वक्त मैं एक दर्शन में देखा है, एक मोटरसाइकिल देखा है, मोटरसाइकिल। तो मैंने कहा मुझे ऐसा दर्शन में मिलता कि एक मोटरसाइकिल घर का सामने एक मोटरसाइकिल रखा है। तब ये लड़की बोलने लगा मुझे मालूम है वो व्यक्ति मेरा घर में आता है और उसका स्वभाव ठीक नहीं है, इसलिए मुझे उससे बहुत घृणा है। उसका स्वभाव ठीक नहीं है इसीलिए मुझे उससे घृणा है। और जो मोटरसाइकिल का जो पेट्रोल का क्या बोलता है, सुगंध नहीं बोलता ना, गंध है, गंध बोला तो ठीक है वो, या पेट्रोल का गंध किधर भी मिलने से वो घृणा उसका अंदर और बाहर आता है, इसीलिए वो उल्टी होता है। तो मैंने कहा क्षमा करो, वो आदमी खराब किया है, लेकिन प्रभु यीशु ने सबों का पाप क्षमा किया है। वो शायद बहुत बड़ा खराबी किया होगा, उनका कैरेक्टर बहुत खराब है, फिर भी प्रभु के नाम से उन्हें क्षमा दे दो, क्षमा दे दो। पवित्र आत्मा आइए मुझे क्षमा देने के लिए, पवित्र आत्मा मुझे हृदय पवित्र आत्मा से भर दीजिए। थोड़ा प्रार्थना किया तो वो बोला हाँ मैं क्षमा देता हूँ। तब तक उनका घर में पहुंचा, तब मैं उन्होंने बोला देखो आप कल सुबह जाएगा तो मुझे भी ले जाएगा, हाँ ले जाएगा, मैं यहाँ खड़ा रहेगा। अच्छा, और दूसरे दिन सुबह मैं इसको उठाने के लिए गाड़ी से गया, तब गाड़ी पर चढ़ के बोला ब्रदर जी कल मैं घर पे आया तो जो व्यक्ति मुझे फोन में बुलाया है वो कई सालों से मुझसे नफरत, मैं उसके साथ बात नहीं करता था, लेकिन जब क्षमा देने के बाद मैं घर में आया तो वो मुझे टेलीफोन किया और उन्होंने कहने लगा देखो मुझे माफ़ करो, मैं तुम्हारा घर वालों के साथ गलती किया है, मुझे माफ़ करो। और उनको बहुत बहुत आनंद हो गया। देखो ऐसा ही होता है, लेकिन अभी एक मिनट अभी आपका मन में विचार कीजिए, आपका मन में कोई भी व्यक्ति से घृणा है क्या? तो अभी आप हे प्रभु पवित्र आत्मा मेरे हृदय पर ईश्वर का प्रेम से भर दीजिए और उन्हें मैं क्षमा करना चाहता हूँ, क्योंकि अभी हम मिसा चढ़ाने वाला है और मत्ती का सुसमाचार 5 में ये भी लिखा है अगर आप वेदी पर बलि चढ़ाने के लिए जाएगा किसी के साथ नफरत है तो वो बलि वस्तु वेदी पर छोड़ किनारे छोड़ पर जाके उन्हें क्षमा करो। तो अभी इसी वक्त आपका हृदय पर किसी से कुछ ऐसा घृणा है तो आप मन में विचार करो हे पिता हे पवित्र आत्मा मैं उनको क्षमा देना चाहता हूँ, मुझे आशीष दीजिए, मुझे प्यार से भर दीजिए। पवित्र आत्मा मैं उसको क्षमा देता हूँ, प्रभु यीशु के नाम से मैं क्षमा देता हूँ। हे प्रभु तूने क्रूस पर क्षमा देने का प्यार देने का स्रोत खुला है, वो स्रोत से मैं पिया है। हे पवित्र आत्मा मैं क्षमा देता हूँ। एक मिनट आप ऐसा प्रार्थना करते रहिए, अभी तुरंत हम मिसा बलिदान शुरू होने वाला है। यीशु की स्तुति हो, धन्यवाद।